अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फटाफट वाली रेसिपी, जो कि मैं पहले भी हाँ जी एक फटाफट वाली रेसिपी ही लेकर आई थी। सो हमें आज बनाना है राजमा मसाला। तो आज हम बनाएंगे तले आलू और राजमा, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मॉर्निंग में अगर आपको टिफ़िन बनाना हो तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। सो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई रखी मैंने, दूसरी तरफ मेरा राजमा उबल रहा है, जो कि ओवरनाइट भीगा हुआ था। बस मैंने राजमा उबलने रख दिया है। राजमा वही नॉर्मल तरीके से जैसे सब उबालते हैं वैसे ही उबालेंगे। तो ये करीब तीन से चार मीडियम साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने लंबी शेप में काटा है और मैं इसको गोल्डन ब्राउन यानी कि फ्राई कर लूँगी। सो देखिए आलू का कलर चेंज होता जा रहा है और हम इन आलूओं को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो आलू फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद दो तेज़पत्ता, दो लौंग, कटे मसालों में एक बड़े साइज़ का प्याज, जीरा, टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्ची डाल करके हम इसका मसाले को भूनना शुरू कर देंगे। तो पहले हम कटे मसाले भूनेंगे और जिसमें कि हमारा टमाटर वगैरह थोड़ा नरम हो जाए। इसके बाद में मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच के करीब में धनिया होगा हमारा पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा पानी डाल करके हम अपने मसाले को भूनना शुरू कर देंगे। तो पानी थोड़ा कम रह गया, मैं और डाल देती हूँ, क्योंकि धनिया को भूनने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और जितना मसाला भूनता है उतनी उसकी कच्ची जो स्मेल आती है वो निकल जाती है कच्चे मसालों की। तो ये थोड़ा सा डाला मैंने 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला और हम इसको भुनेंगे बहुत अच्छी से तरह से और बहुत अच्छे से एक फ्लेवर आ जाता है गरम मसाले से इसमें। और बस अब हमने क्या करना है, इसमें आलू डालेंगे आगे चल करके और राजमा डाल करके हम इसको बना लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल से प्रोसेस से ये तले आलू राजमे की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो जो आलू हमारे तले में हैं वो हमारे 80% तल चुके थे, लेकिन अब थोड़ा सा 20% अपने मसाले में उसको गलाएंगे, जिससे कि जो मसाले का टेस्ट और फ्लेवर है वो अंदर आ जाए। तो अब मैंने नमक डाल दिया है, नमक डालने से जो आलू है वो जल्दी गल जाता है। सो आलू भी हमारे हो चुके हैं धीमे धीमे, बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे उबले हुए जो राजमा हमने बनाया है वो। राजमा भी हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और उबल चुका है बहुत अच्छे से। तो बस अब आप मसाले में 2 मिनट इसको भूनेंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालकर अच्छे से इसको पका लेंगे और बस बाद में धनिया डालकर हमारा जो राजमा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाली मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो हमारा जो राजमा मसाला है वो उबल चुका है और इसमें हमने धनिया डाला और इसके बाद हमने ये राजमे चावल की छोटी सी प्लेटिंग कर ली। देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है देखने में और ईज़िली आप अपने टिफ़िन बॉक्स में, लंच में, सभी में इसको बहुत जल्दी से बना करके तैयार कर सकते हैं। कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता और बहुत ही मज़े का ये तले आलू राजमा बनकर तैयार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।